कंक्लूजन इस वीडियो का ये है, टिल नवंबर और लेटेस्ट बाय दिसंबर 2023 नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करो। आपसे 5 महीने पहले जब एक हफ्ता भी नहीं हुआ था नीट 2023 को हुए, 13 मई को मैंने क्लियर कट 2 मिनट का वीडियो बना के तुम्हें बड़ा सा थंबनेल ला के बता दिया, डू नॉट रीड डिलीटेड टॉपिक्स। कुछ बच्चों को मेरी बात समझ में आई, कुछ लोग ने मेरे पर ट्रस्ट नहीं किया। 2 से 3 महीने बाद जो है बच्चे फिर से कंफ्यूजन में आए, मैंने आपको डिटेल में वीडियो बना के समझाया कि क्यों जरूरी है नवंबर या दिसंबर तक नए एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना। नाउ केवल बात करनी एक बात होती है, उस पर एक्ट करनी दूसरी बात होती है। और मुझमें इतना कन्विक्शन था कि जब जून 2023 में हम लोग ने लॉन्च किया एनसीईआरटी अभ्यास बैच, तो फर्स्ट टाइम एवर इन द एंटायर नीट के प्रिपरेशन मार्केट आप नई एनसीईआरटी के जो है वो जो नए सिलेबस है उसके जो थे वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे। और केवल ये नहीं, नई एनसीईआरटी के पेज फिल्टर ला के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते थे। आई एम प्राउड टू से टुडे इज द विक्ट्री ऑफ ऑल दो स्टूडेंट्स हु एक्चुअली ट्रस्टेड मी। क्योंकि आज की डेट में आप किसी भी कोचिंग से हो, आपका जो स्टडी मटेरियल है, मॉड्यूल है, आपका क्वेश्चन बैंक है, सारा जो है वो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अपडेट करने में कोचिंग वालों को 1 महीना 1.5 महीना लग जाएगा, बट दो स्टूडेंट्स जो कि एनसीईआरटी अभ्यास बैच से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो नए एनसीईआरटी के जो भी डेली के डेली पेजेस पढ़ रहे हैं उनका क्वेश्चन पेजेस का फिल्टर लगाकर क्वेश्चन डेली के डेली प्रैक्टिस कर पाएंगे। एंड यू कैन एक्चुअली टेक दैट एज ओवर योर कंपटीटर 1 से 1.5 महीने जब तक बाकी लोगों को अपना सिलेबस अपडेट करने में समय लग रहा होगा। नाउ केवल इतना ही नहीं था, देयर इज समथिंग मोर टू इट। आज से एक हफ्ता पहले जस्ट 1 अक्टूबर को मैंने टेस्ट सीरीज जो थी ऑल इंडिया वो हम लोग ने लॉन्च की, और थोड़ा सा इसको जूम करोगे ना तो पता तुम्हें क्या चीज दिखेगी, एक बड़ा सा टेस्ट है जिसका नाम ऑप्शनल टेस्ट है। और इसका पता है सिलेबस क्या है, जो सारे डिलीटेड जो थे वो चैप्टर्स थे वो कहीं ना कहीं इंक्लूड किए, क्योंकि मुझे कन्विक्शन था कि ये जो चैप्टर्स है वो नीट में नहीं आएंगे, इसलिए बड़ा बड़ा जो नाम है वो ऑप्शनल लिखा हुआ है। इसके अलावा जो भी सारे चैप्टर्स है वो डिलीटेड एनसीईआरटी के ही अकॉर्डिंग है। विश्वास नहीं है तो एक हफ्ता पुराना वीडियो देख लो, जूम कर लो, मैंने कुछ चेंज नहीं किया हुआ है। अब आपके लिए एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, 97 की जगह 79 चैप्टर्स है। बैड न्यूज ये है कि कट ऑफ कहीं ना कहीं बढ़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, जब आपके जैसे चैप्टर्स, कुछ चैप्टर्स की मैं बात करूं, ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स बड़ा सा चैप्टर, मिनरल न्यूट्रिशन इतना रटना पड़ता है, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट फूड प्रोडक्शन, इसमें भी इतनी चीजें याद करनी होती है। जब ये चैप्टर्स है ही नहीं, जहां पर बच्चे गलत करते थे, वो भूल जाते थे, रिवाइज नहीं कर पाते थे, अब कम सिलेबस से एनसीईआरटी से ही पेपर आने वाला है, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ बढ़ेगा। जहां पर लेट से 10 मार्क्स पे, लेट से किसी पॉइंट मार्क्स पॉइंट पर लेट से 10,000 जो थे वो बच्चे थे, आज की डेट में वो 10,000 की जगह 12,000 या 13,000 बच्चे होंगे, रैंक का इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। अब सवाल यह है कि करना क्या है ना। नाउ आपको बहुत सारा यार लोग ये गाइड करते दिख जाएंगे कि ये चेंजेस आए हैं नीट के जो सिलेबस है उसमें, ये है अपडेटेड सिलेबस। माय सजेशन टू यू, इफ यू कैन ट्रस्ट मी, पहले नहीं किया तो कोई बात नहीं, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूं। जो बिल्कुल स्टार्टिंग के वीडियो के 10 सेकंड सुना था, मैं फिर से वो चीज बोल दूं, दिसंबर तक नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, पुरानी एनसीईआरटी या फिर ये सो सब चीजें एडिशनल जो फैमिलीज आ गई हैं, या फिर इंसेक्ट में ब्रैकेट में कॉकरोच रखा है, ये फ्रॉग लिखा हुआ है, तुम कॉकरोच भी पढ़ रहे हो, सोच रहे मैं तो बहुत समझदार हूं इसमें देखो मैं एडिशनल चीज पढ़ूंगा और अच्छे मार्क्स लेके आऊं, या फिर चलो ग्रुप 13 to 18 लिखा हुआ है, ऑन द अदर एंड नई एनसीईआरटी से जो रिमूव डिलीटेड पोर्शन है 13, 14 जो ग्रुप वाले एलिमेंट्स है, क्लास 11th का जो पी ब्लॉक है ना, आप सोचो कि मैं तो यार ये एडिशनल चीज कर लूं। अरे मेरे भाई, पहले 79 चैप्टर्स आपके फिंगर टिप्स पे हो जाए दिसंबर तक, पहले वो तो ढंग से कर लो, उसके बाद अपडेट आ जाएगा। ट्रस्ट मी, मोर मोस्ट प्रोबेबली एक अपडेट आएगा जहां पर कि जो ये है इसको एरर की तरह रिकॉग्नाइज होगा, सब हटा दिया जाएगा और सिलेबस विल बी अगेन, आई रिपीट, सिलेबस विल बी न्यू एनसीईआरटी का सिलेबस। नाउ आगे बढ़ते हैं, जो इस वीडियो का कंटेंट है वो ये है कि आगे जितना बच्चा है समय उसको नए सिलेबस अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना कैसे है। नाउ एक जो एवरेज बच्चा होता है, और यहां पर हम लोग यार बहुत डिटेल में बात कर रहे होंगे कि डेली आपको कैसे पढ़ना है, कैसे आप 10 से ज्यादा घंटे पढ़ सकते हो डेली, सेल्फ स्टडी आप पे आप 10 घंटा पढ़ सकते हो अपार्ट फ्रॉम गोइंग टू द कोचिंग। हाँ सही सुना तुमने, आगे बताता हूं तुम्हें। देखो एक जो एवरेज बच्चा होता है वो क्या करता है, नीट में एस्पायर करता है, डॉक्टर बनना चाहता है, कोचिंग ज्वाइन कर लेता है एक अच्छी, सोचता है कि 9 बजे से लेकर 2 बजे तक जाएगा, कोचिंग अच्छे से अटेंड करेगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जो अच्छा बच्चा होता है, थोड़ा सा अबव एवरेज स्टूडेंट होता है, मैं कहीं कहीं आपको एक अच्छा बच्चा मानता हूं क्योंकि यू हैव बीन सीइंग माय वीडियोस फॉर सो लॉन्ग और आप पढ़ रहे हो अच्छे से, मेहनत कर रहे हो, वो केवल कोचिंग नहीं जाता, उसके अलावा 3 से 4 घंटा रेगुलर सेल्फ स्टडी करता है और जो भी कोचिंग में पढ़ा जाता है वो रिवाइज कर लेता है। अब आपको एक बात जो है वो ये बच्चा नहीं समझता है, और वो इसलिए एक डिलेमा में रहता है कि उसका बस इतना करके सिलेक्शन हो जाएगा, वो ये चीज नहीं समझता कि उसी के बैच से जहां पर 100 बच्चे हैं कोचिंग में, सिलेक्शन केवल 5 लोगों का होने वाला, मैच उससे ज्यादा नहीं। वो ये चीज नहीं समझता कि जब
जो कि ड्रॉपर बैच में जिसमें वो एनरोल था या फिर ट्वेल्थ के बैच में एनरोल था, जहां पर सिलेबस था वो मार्च तक खत्म कराया जा रहा था, उसके बाद आगे समय ही नहीं था, जो कि वो स्टार्टिंग में अभी जो सितंबर या फिर अगस्त या मई में जो उसने पढ़ा उसको रिवाइज करने के लिए, तो कहां से सिलेक्शन होने वाला है? सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा, कुछ तो एडिशनल करना पड़ेगा, कुछ तो अपने जो कोचिंग वाले बाकी आपके पीयर्स उनसे अलग करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, सेल्फ स्टडी। अरे समय निकलता है, कोचिंग के बाद भी हम लोग ने 10-10 घंटे से ज्यादा पढ़ा है, आप भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि सुबह 5:30 बजे मेरी तरह, मैं देयर वाज अ पॉइंट इन माय प्रिपरेशन जब मैं एक्चुअली उठता था, मैं तो 3 बजे 4 बजे भी उठाऊं, लेकिन चलो 5:30 बजे टाइमर लगा के उठ जाओगे, 6 बजे टेबल चेयर पर, बेड पे लेट के नहीं पढ़ोगे, टेबल चेयर पे बैठ जाओगे। अगर प्रॉमिस करते हो तो मैं आगे बताता हूं, नहीं तो मत देखो ये वीडियो। 6 बजे तुम अपने टेबल चेयर पे बैठ के अब क्या करना है, तुम्हारे पास अगले 3 घंटे हैं 9 बजे तक, जिससे पहले की कोचिंग स्टार्ट हो, या फिर 2 घंटे हैं, या फिर तुम्हें अगर ऑफलाइन के लिए जाना है, 15 पेजेस एनसीईआरटी, यस इट इज अ डुएबल टारगेट, 2 से 3 घंटे में आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़नी है फिजिक्स या केमिस्ट्री बायो की, पता है एनसीईआरटी पढ़नी है, अरे पढ़नी है, ये 2 से 3 घंटा सुबह उठ के सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले करोगे, अच्छा लगेगा, स्टार्ट योर डे ऑन अ गुड नोट। अब आपका जो है कोचिंग स्टार्ट हो गई, 2 बजे तक आराम से कोचिंग अच्छे से अटेंड करो। एक बात याद रखना, जब कोचिंग में फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं, क्वेश्चन लिखा गया बोर्ड पे, 1 मिनट अपना कान बंद करो, नीचे देखो, अपने जो रफ कॉपी में कोशिश करो सॉल्व करने का। दैट इज हाउ वी यूज टू एक्चुअली स्टडी व्हेन वी वर इन द कोचिंग, केवल टीचर को बस सुनते नहीं थे, एक एक्टिव प्रोसेस वॉज इन्वॉल्व। कुछ एक पेज तुमने नोट्स बनाया, आग बंद करो, सोचो कि भाई क्या पढ़ाया गया, बीच में टीचर हंसी मजाक करते ना उस टाइम में, वेस्ट मत करो, वीडियो तो पॉज करो टीचर का जब हंसी मजाक कर रहे हैं, या फिर ऑफलाइन में पढ़ा रहे, भाई अपना कान बंद करो, सोचो कि भाई क्या पढ़ा तुमने उस पेज में, और ऐसे एक्टिव रिकॉल करते चलो। नाउ 2 बजे आओ, 2 से 3 अपना आराम से लंच करो, रिलैक्स करो, ब्रेक है, टीवी देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 बजे यू शुड बी डॉट ऑन योर टेबल। अब 3 बजे से 6 बजे तक कोचिंग में जो भी आपको उस दिन पढ़ाया गया उसका आपने रिवीजन कर लिया, उसको आपने कंसोलिडेट कर लिया, अगर क्वेश्चंस फिजिक्स के लगाए गए थे तुम्हें फिर से आके सॉल्व करना है बिना सोल्यूशन देखे उन्हीं क्वेश्चंस को, बस तुम्हारा कोचिंग वाला टाइम, ये कोचिंग का पोर्शन खत्म हो गया। अब 6 बजे ब्रेक लो, इवनिंग आई वुड सजेस्ट कि अगर तुम वॉक कर लोगे, इवनिंग की वॉक पे चले जाओगे, आधे घंटे की रिफ्रेश होता है माइंड, दैट इज बेटर। फोन ज्यादा मत चलाओ, कोई मूवी वगैरह मत देखो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, लाइट म्यूजिक सुन सकते हो। 7 बजे यू शुड अगेन डॉट, 7 बजे यू शुड बी ऑन योर टेबल। अब आज तक जिससे सबसे ज्यादा डर लगता था फिजिक्स, उसका टाइम आ गया क्वेश्चन सॉल्व करने का। 7 बजे डॉट से लेकर 9 बजे तक। अब 9 बजे डिनर ब्रेक लो, डिनर ब्रेक आराम से आधा घंटा अपना डिनर करो, 9:30 बजे प्लीज, ये आई वुड रिक्वेस्ट, ये लोग गलती करते हैं, रात में ना थक जाता है इंसान, वो कब 10 बजता है कब 10:30 बजता है, फिर नींद आ जाती है, पूरा वेस्ट हो जाता है यार। निकालने हैं रात के डेढ़ से ढाई घंटा आपको निकालना है, 9:30 से 11, या फिर आपके लिए पॉसिबल है तो 12 बजे तक आप पढ़ सकते हो, अप टू यू, लेकिन 11 बजे तक कोशिश करना है, पढ़ना ही पढ़ना है, डेढ़ घंटा निकालना है। और इन डेढ़ दो घंटे में क्या करना है, सुबह जो पढ़ा था 15 पेजेस एनसीईआरटी का, उसका फिल्टर लाकर एनसीईआरटी अभ्यास बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जहां गलत कर रहे हो तुम्हें उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन देखो, बुकमार्क करो जो क्वेश्चन तुम्हें लगता है बाद में रिविजिट करना चाहते हो। कितने क्वेश्चन करने डेली, मैं तुम्हें बताऊं, देखो अगर तुम डेली 100 क्वेश्चन कर रहे हो दैट इज सफिशियंट, लेकिन टारगेट लेना 100 क्वेश्चन, और कुछ भी कंडीशन है 75 क्वेश्चन से कम नहीं करने दिन के, केवल पढ़ाई करने से सिलेक्शन नहीं हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्चुअली करने हैं। एनसीईआरटी अभ्यास बैच में टोटल 15,000 क्वेश्चन थे, अब जबकि ये नई एनसीईआरटी अच्छी बात है केवल 12,000 जो हाई यील्ड जो है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं तुम्हें, अगर तुमने दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर जब ये चीज हो रही है, आज की डेट में तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जानते हो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम कहीं किसी भी सोर्स से करोगे ना, अब उसमें डिलीटेड पोर्शन वाले भी दिख रहे होंगे, अब तुम्हारा समय वेस्ट होगा कि भाई ये डिलीटेड सिलेबस का था इसलिए मेरे आंसर नहीं बन पा रहे। एनसीईआरटी अभ्यास बैच में क्या किया हुआ है ना, अब तुम न्यू एनसीईआरटी का पेज फिल्टर लाओगे, उस पेज से जो भी क्वेश्चन बने हैं डेफिनेटली वो नई एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो उसके पीवाईक्यू जो रिसेंट है 2021-22 या फिर पुराने इंपॉर्टेंट है, रिसेंट एंड ऑल इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू तुम्हारे साथ साथ पेज के साथ ही कवर हो जाएंगे, तुम्हारा टाइम बचने वाला है। दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर दैट इज समथिंग लाइक दिस हैज बीन डन। दूसरी चीज क्या है कि फिजिक्स में जो है और फिजिकल केमिस्ट्री में तो बहुत अच्छे से जरूरत पड़ती है वीडियो एक्सप्लेनेशन की, कि तुम्हें यार टीचर ऐसा लगेगा कि सामने तुम्हारा जो है बैठा हुआ है, 1-on-1 कहीं ना कहीं ट्यूटर की तरह पढ़ा रहा है तुम्हें, वो एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझा रहा होगा, एज वेल एज हिंट्स और स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन पड़े हुए हैं कि भाई तुम्हें लगता है कि यार तुम्हें नहीं सोल्यूशन नहीं देखना, उसका हिंट देखना और खुद से वापस से मेहनत करके सोल्यूशन तक पहुंचना चाहते हो, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अब 11 या 12 बजे पढ़ के फिर आप सो गए और अगले दिन वापस से ये चीज रिपीट करनी है, ये आप करोगे आई कैन प्रॉमिस आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। सवाल आपका ये होना चाहिए कि 15 कौन से पेजेस एनसीईआरटी के हम पढ़े अगर आज से पढ़ रहे हैं, है ना, फिजिक्स से कौन से चैप्टर के क्वेश्चन सोल्व करें, जो रात में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस 15 पेजेस की, सुबह एनसीईआरटी चलो फिर से वही चीज, कौन से क्वेश्चन सोल्व करें यार।
अरे भाई आपके पास अगर एक टारगेट हो, हम लोग क्या करते थे यार, हमारे पास जो भी एक, एक जो जो टेस्ट सीरीज होती है उसका जहां पर टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि मान के चलो संडे को आपका टेस्ट है जिसमें लेट से एनिमल किंगडम आ रहा है, आपका मोशन एंड प्लेन आ रहा है, तो भाई उसके तुम्हें 15 पेजेस एनसीईआरटी पढ़ने हैं, उसके तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वहां के फिजिक्स के तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो कोचिंग और कोचिंग का रिविजन तो तुम्हारा सॉर्टेड है, लेकिन इसके अलावा अगर ये चीज तुम करोगे एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, एक तुम्हारा दिन का टाइम टेबल होगा जहां तुम 10 घंटा सेल्फ स्टडी कहीं ना कहीं कर रहे हो, और दूसरी चीज तुम्हारा एक मैक्रो लेवल पे टाइम टेबल हो गया वीकली कह लो जो कि डिटरमिन होगा एक टेस्ट सीरीज से। पहला टेस्ट ऑल इंडिया नए एनसीईआरटी के सिलेबस पे, बच्चे यार तुम लोग पूछ रहे थे कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पूरा आएगा कॉकरोच भी आएगा, नहीं भाई नहीं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आएगा, क्लियर तो किया, फ्रॉग आएगा केवल 15 अक्टूबर को। ऐसे तो आप टेस्ट कभी भी दे सकते हो, बट टू बी एलिजिबल फॉर द प्राइस जो 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 कैश प्राइस है उसके लिए आपको 15 तारीख को ही देना पड़ेगा। ये वीडियो कुछ बच्चे बाद में दे रहे होंगे, वो बाद में भी देख सकते हैं, आप टेस्ट को रीअटेम्प्ट भी कर सकते हो जितनी भी बार चाहो, उतना आप रीटेक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगेन सेइंग प्राइस के लिए एलिजिबल होने के लिए सेम डे को देना पड़ेगा आपको टेस्ट, है ना। अब आपने क्या किया, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग आगे पढ़ना स्टार्ट किया, है ना। उसके बाद क्या किया आपने, जो टेस्ट उसको एनालाइज किया, हर एक जो क्वेश्चन है ये मैं बता दूं तुम्हें यार, ये जो टेस्ट है ना ये नए जो नीट जिस टाइप के आ रहे हैं ना क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग है भाई, सारे टाइप के क्वेश्चन होंगे, स्टेटमेंट बेस्ड, सीक्वेंसिंग, डायग्राम बेस्ड सब, और हर एक क्वेश्चन पे जो ऑप्शन है उसका एनालिसिस पता चलेगा कि कौन से ऑप्शन को कितने लोगों ने सही किया, वो आसान क्वेश्चन था डिफिकल्ट क्वेश्चन था, वीडियो एक्सप्लेनेशन ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन के मिल रहे होंगे, हिंट और स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन भी दिए होंगे, टेक्स्ट सॉल्यूशन तो एनीवेज होगा। टॉप 50 बच्चों को 200 रुपए का पर स्टूडेंट पर टेस्ट कैश प्राइज मिल रहा होगा पूरे टॉप 50 बच्चों को। केवल इतना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फॉर एग्जांपल डॉक्टर आनंद मनी है यहां पर, ही हैज इन एन अनबायस मैनर रिकमेंडेड कि भाई यू कैन टेक नीट प्रेप, और भी 2-3 चीजें बताई, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स विल बी गिविंग दिस टेस्ट, सो कि आप एक अपने ऑल इंडिया लेवल पे अपना स्टैंडिंग जान सको। क्या करना है, जाके प्ले स्टोर पे अपडेट करनी है आपको, टॉप लेफ्ट साइड पे ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलना है, एनसीईआरटी अभ्यास बैच वाले तुम सेक्शन पे होगे, हाई यील्ड टेस्ट सीरीज पे जाना है, और इसके बाद आपको लिए डेमो टेस्ट भी जो है वो अवेलेबल करा के रखे, जैसे आप यूआई टेस्ट कर लो एनरोल करने से पहले, एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स उनके लिए 50% डिस्काउंट है, एंड फॉर द अभ्यास बैच स्टूडेंट्स एन एडिशनल 40% डिस्काउंट इज देयर। तो अगर आप एनसीईआरटी अभ्यास बैच के स्टूडेंट हो आपको 899 में पूरे जो है जो 23-24 टेस्ट है इसका पूरा आपको टेस्ट सीरीज यू कैन एनरोल फॉर दैट, है ना। जो भी अभ्यास वाले बच्चे हैं उनको यार एक स्पेसिफिकली यहां पर दिख रहा होगा 899 में, सो दैट इज द प्राइस दैट दे कैन एनरोल, एंड बाकी बच्चे 1499 तक एनरोल कर सकते हैं, दिस इज फॉर द फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स। उसके बाद प्राइस विल बी 3000 फॉर द नॉन अभ्यास स्टूडेंट्स एंड 1800 फॉर द अभ्यास स्टूडेंट्स। सो जाओ और इस पर एनरोल करो, और डेली के डेली जैसा मैंने बताया है एक अपना ये जो है स्टडी शेड्यूल, इसको तुम जो हो ये अपने वॉल पे भी लगा सकते हो, और हर रोज सामने जब देखोगे ना, जब टाइम वेस्ट कर रहे हो सामने देखोगे तो तुम्हें लगेगा, और टेस्ट सीरीज का शेड्यूल लगा लो तो दिखेगा ना कि भाई ये मेरा टेस्ट है या फिर ये मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, ऑटोमेटिकली आंखें जाएंगी नीचे, और ये अगर आपने कर लिया आई प्रॉमिस आपके अच्छे नंबर आ रहे होंगे और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। जाओ और पढ़ाई करो, और केवल कोचिंग मत करो, सेल्फ स्टडी करो, मेहनत करके, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बाय बाय, सी यू अगेन।